हेलो डियर व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनोद सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसे रीड करेंगे और उसके बेस पर जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये स्कूल एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसे कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनसीन पैसेज, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपने देखा होगा। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आप इसको अच्छे से रीड करिए या फिर पहले क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। एक और तरीका होता है, आप पहले क्वेश्चन को ही पढ़ सकते हैं, उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं उसको पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे पहले रीड कर लेते हैं एक बार। गीता लाइक्स रीडिंग बुक्स, मतलब गीता को बुक्स पढ़ना पसंद है। देयर आर अ वैरायटी ऑफ बुक्स इन हर स्कूल लाइब्रेरी, उसके स्कूल लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं, वैराइटीज़ ऑफ बुक्स हैं। सी हैज़ गॉन थ्रू मैनी ऑफ देम, मतलब उसने बहुत सारे किताबों को, वहाँ जो रखी हुई किताबें हैं लाइब्रेरी में, उसे पढ़ लिया है। शी लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज़, और उसको बहुत सारी स्टोरीज़ के टाइप्स होते हैं, एडवेंचर स्टोरीज़, फेबल्स या फिर ह्यूमरस स्टोरीज़, ये सब स्टोरी में से उसको एडवेंचर स्टोरी पसंद है, जिसमें जोखिम भरा जो काम होता है, ऐसे स्टोरीज़, ऐसे कहानियाँ उसे पसंद हैं। शी हैड ऑल्सो रेड, यहाँ पे इसको हम रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये हैड है, थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है, रीड का थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है, हैड है इसलिए, तो उसको हम रेड पढ़ेंगे। शी हैड ऑल्सो रेड मैनी क्लासिक शॉर्ट स्टोरीज़, उसने बहुत सारी क्लासिक शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी हैं। एज़ पंचतंत्र एंड अदर फेबल्स, पंचतंत्र और अदर फेबल्स की तरह, पंचतंत्र विष्णुगुप्त की बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, छोटी कहानियाँ, यह विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। फेबल्स मतलब जो दंत कथाएँ होती हैं, जो खासकर एनिमल्स के थ्रू आपके पास मोरल स्टोरीज आते हैं, इसे कहते हैं। तो आइए इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ प्लेस वेयर अ कलेक्शन ऑफ बुक्स आर केप्ट। ये बहुत ईजी है, आपको ऐसा वर्ड बताना है जिसमें, जिससे जो इन सभी शब्दों के लिए एक, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है, जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखी हुई होती हैं, कलेक्शन ऑफ बुक्स, ऐसे जगह को क्या कहते हैं? तो ऐसे जगह को हम कहते हैं लाइब्रेरी, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है लाइब्रेरी, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, पहले ये सेंटेंस लिख दीजिए, अ प्लेस वेयर अ कलेक्शन ऑफ बुक्स आर केप्ट इज़ करके इज़ लाइब्रेरी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड विच इज़ यूज एज एडजेक्टिव इन द पैसेज, एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ हो ऐसा हमको वर्ड देखना है। एडजेक्टिव मतलब आप समझते होंगे, अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपने पढ़ा होगा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, टोटली 8 टाइप है। मतलब टोटल इंग्लिश डिक्शनरी में पूरा आप छानेंगे तो पूरे जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं वो कितने हैं, टोटल 8 प्रकार के ही होते हैं, या तो कोई वर्ड नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस गीता, गीता देखते हैं तो एक नाउन है, लाइक एक वर्ब है, रीडिंग भी एक वर्ब है, बुक एक नाउन है। तो इस तरह से सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको दिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एडजेक्टिव कौन सा वर्ड ऐसा है जो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे ये शॉर्ट स्टोरीज़, मतलब कैसी स्टोरीज? शॉर्ट, तो शॉर्ट जो वर्ड है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। आप आंसर में लिख सकते हैं, शॉर्ट इज़ अ वर्ड यूज्ड एज एडजेक्टिव इन द पैसेज, ऐसा लिख सकते हैं आप, या डायरेक्ट शॉर्ट भी लिख सकते हैं आंसर में, ये भी चलेगा। शॉर्ट अब ये कैसे में एडजेक्टिव है, क्योंकि ये स्टोरीज को क्वालिफाई कर रहा है, और इसका हम कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री भी बना सकते हैं, जैसे कि शॉर्टर कॉम्पेरेटिव डिग्री है। उसी तरह से हम इसको शॉर्टेस्ट भी बना सकते हैं, शॉर्टेस्ट क्या है? शॉर्टेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसका मतलब शॉर्ट जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, बहुत ईजी था ये भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गीताज़ इंटरेस्ट इन बुक्स,
गीता को बुक किस तरह से पसंद थे, किस तरह से की बुक्स उनको पसंद थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। व्हाट इज़ गीताज इंटरेस्ट इन बुक्स, तो गीता को क्या पसंद था, गीता यहाँ पे ऊपर देखिए गीता लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसको बुक पढ़ना पसंद था, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एक लाइन आप और जोड़ सकते हैं इसमें, शी लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज ऑल्सो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी बहुत ही ईजी था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी टिपिकली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स कन्वेइंग अ मोरल, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा हमको वर्ड ढूंढना है जिसमें मोरल स्टोरी जिसे कहते हैं, जिसमें जनरली एनिमल्स के थ्रू वो मोरलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मोरलिटी हमें बताते हैं, सिखाते हैं, तो ऐसे स्टोरीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे स्टोरीज को हम कहते हैं फेबल्स, तो फेबल्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक पैसेज था कि कैसे हम उसको पैसेज को रीडिंग करें और कैसे उसके आंसर दें, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ जो आपके काफ़ी काम आएंगे। तब तक इंग्लिश पढ़ते रहो, सीखते रहो, टेक केयर, गुड बाय।